सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छे हाउस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास में हमारी वेबसाइट देख सकते हो, जिसके ऊपर काफ़ी सारे हाउस प्लान आपको मिल जाएंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। और अगर आप पेड सर्विस भी लेना चाहो तो नीचे दिए गए नंबर से पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल रहा है एक बड़ा सा गार्डन, आप देख सकते हैं काफी अच्छा गार्डन। और फ्रंट एलिवेशन में अगर गार्डन होना तो काफी अच्छा लुक आता है। घर में अगर गार्डन हो तो फ्रंट एलिवेशन का लुक काफी अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पार्किंग किया, आपको यहाँ अंदर आने का रास्ता मिल रहा है। यहाँ पे एल टाइप का सोफा लग जाएगा और यहाँ सामने टीवी यूनिट लग जाएगी। और यहाँ आपका फर्नीचर का पार्टीशन, ग्लास का पार्टीशन बन जाएगा और यहाँ आपका एक डाइनिंग रूम बन जाएगा। फिर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रिज, यहाँ बेसिंग और यहाँ स्टोन मिल रहा है। और यहाँ एक विंडो मिल रही है प्रॉपर रोशनी और वेंटिलेशन के लिए। तो आपको यहाँ एक काफी खूबसूरत किचन मिल गया, जिसमें कि यहाँ पे हमने डोर दिए, जिससे कि आप हॉल में भी आ सकते हैं और डाइनिंग एरिया में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर आने का रास्ता मिल रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता। यहाँ से आपको यहाँ पे बेसिंग का एरिया मिल रहा है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना होने खाते हैं तो आपको बाथरूम में जाके हाथ धोने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर ही बेसिन मिल गया। और उसके पीछे हमने वेंटिलेशन की विंडो भी दे दी है, जिससे कि आपको डाइनिंग टेबल की और अच्छी रोशनी मिल पाए फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल रहा है। सबसे बाद में आपको यहाँ एक ओटीएस मिल रहा है सेंटर में। और इस ओटीएस को सेंटर में लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको चार ही तरफ विंडो मिल रही है फ्रेंड। आप यहाँ बाथरूम में भी निकाल पा रहे हैं, बेडरूम में भी निकाल पा रहे हैं, कॉमन टॉयलेट में भी निकाल पा रहे हैं, ड्रेसिंग एल के मिस बेसिंग की और भी आप यहाँ पर विंडो निकाल पा रहे हैं। और फिर आपको यहाँ एक बेडरूम मिल रहा है और अटैच स्टोरेज मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक सबसे बाहर एक बेडरूम एक फुट होता हुआ मिल रहा है, जो कि हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे उसकी छत को, जो कि काफी अच्छी फ्रंट एलिवेशन में लगना है। इसकी विंडो को हम काफी बड़ा रखेंगे, जिससे कि इस फ्रंट एलिवेशन का लुक आएगा ना काफी अच्छा आएगा और प्लान भी ओवरऑल आपको काफी बड़ा यहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड। पूरे बेडरूम मिल गया, यहाँ बेड लग जाएगा, सामने टीवी भी लग जाएगी और यहाँ वॉर्डरोब लग जाएगी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक बालकनी मिल रही है, जो कि थोड़ी सी अंदर है, जो कि काफी खूबसूरत लगेगी फ्रंट एलिवेशन में, जिसके यहाँ पर आपको दो वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एक अटैच टॉयलेट के लिए और एक अटैच ड्रेसिंग के लिए। उसके बाद हम बात करें, यहाँ आपको एक हॉल मिल रहा है जहाँ पे यहाँ पे टीवी यूनिट लग जाएगा और यहाँ इस टाइप का एक बहुत ही यूनिक सोफा लग जाएगा, जिसका डिजाइन हमने काफी अच्छा बनाया है। आप देख सकते हैं कि हॉल काफी बड़ा है तो सोफा भी यूनिक होना चाहिए, जिससे कि काफी अच्छा ऊपर का भी लुक लगे फ्रेंड। आप यहाँ से देखते हो ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस दे रखी है। आपको यहाँ बेसिन मिल रहा है, ओटीएस मिल रहा है, कॉमन टॉयलेट मिल रहा है और अटैच टॉयलेट और एक बेडरूम मिल रहा है। तो अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें कि मेजरमेंट एक्चुअल में क्या होगा, कितना मेजरमेंट मिनिमम मिलना चाहिए आपको, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। आपको गार्डन का जो मेजरमेंट है वो 11 फीट बाई 4 फीट का, 11 फीट उसकी वाइड है और 4 फीट उसकी डेप्थ है फ्रेंड। आप देख सकते हैं आपको जो पास में पार्किंग मिल रहा है वो 8 फीट 6 इंच वाइड है और 14 फीट उसकी लेंथ है, क्योंकि कार जो होती है वो 5 से 6 फीट के बीच में होती है। सो 8 फीट 6 इंच सफिशियंट है, आपका डोर खुल जाएगा। और देखो प्लान काफी छोटा है, बट फिर भी हम कार पार्किंग ले रहे हैं तो हमें छोटा ही लेना पड़ेगा कार पार्किंग, बट इसमें आप अच्छी से अच्छी कार भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अंदर हॉल में आने का रास्ता मिल रहा है और यहाँ आपको एक बड़ी सी विंडो मिल रही है और आपको जो हॉल की साइज मिल रही है वो 10 फीट 6 इंच वाइड और 14 फीट 2 इंच की डेप्थ मिल रही है फ्रेंड। उसके बाद हम डायरेक्ट डाइनिंग रूम की बात करें तो डाइनिंग रूम आपको 10 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का मिल रहा है, जहाँ पर यहाँ पर डाइनिंग लग जाएगी और यहाँ एक ग्लास का पार्टीशन बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो किचन मिल रहा है फ्रेंड वो 8 फीट 6 इंच बाई 8 फीट का मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे एक विंडो मिल गई, जिससे कि किचन के अंदर रोशनी आ सकेगी। तो किचन का साइज भी ओवरऑल काफी अच्छा है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस का एरिया है। कॉमन टॉयलेट का जो साइज है वो 3 फीट बाई 6 फीट का, 3 फीट वाइड है, 6 फीट की डेप्थ है। यहाँ आपका बाहर बेसिन लग रहा है तो अंदर लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई यहाँ नल लगा सकते हैं, यहाँ कबर्ड लगा सकते हैं। वास्तु के हिसाब से कबर्ड इसी दिशा में लगाना चाहिए, नॉर्थ या साउथ में कहीं। आपको यहाँ ओटीएस मिल रहा है 3 फीट तो वाइड और 4 फीट 8 इंच की डेप्थ है। आप यहाँ क्रॉस का साइन देख रहे हैं, मीन्स ऊपर की छत ओपन रहेगी, जिसके ऊपर से नीचे प्रॉपर वेंटिलेशन और रोशनी मिल पाए फ्रेंड। उसके बाद अगर हम बेडरूम की बात करें तो 12 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 4 इंच का काफी बड़ा बेडरूम है, जहाँ पे यहाँ पर बेड लग जाएगा और इस दिशा में एक टीवी भी लग जाएगी और यहाँ एक छोटी सी वार्डरोब लग जाएगी। और फ्रेंड आपको यहाँ से जो रास्ता मिल रहा है अटैच टॉयलेट में जाने का मिल रहा है, अटैच टॉयलेट की साइज 6 फीट 4 इंच बाई 5 फीट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक बेसिंग मिल रहा है, एक नल मिल रहा है और वास्तु के हिसाब से हमने कबर्ड इस दिशा में लगाया है फ्रेंड, नॉर्थ साउथ में। तो ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर का मेजरमेंट काफी अच्छा है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर के मेजरमेंट की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में आपको जो बेडरूम मिल रहा है पहले वो 10 फीट 6 इंच वाइड और 13 फीट उसकी लेंथ है। यहाँ आपकी ड्रेसिंग लग जाएगी, यहाँ बेड लग जाएगा और यहाँ टीवी लग जाएगा।
बेडरूम की साइज के हिसाब से ही हमने फर्नीचर भी प्लान करा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बालकनी का साइज मिल रहा है वो 8 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच का मिल रहा है। उसके बाद जो आपको बेडरूम की यहाँ रास्ता है उसमें जो ड्रेसिंग मिल रही है वो 4 फीट बाई 8 फीट की मिल रही है। और जो कॉमन टॉयलेट मिल रहा है वो भी 4 फीट बाई 8 फीट का मिल रहा है। काफी बड़ा आपको यहाँ पे ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट मिल गया है 8 फीट। काफी बड़ी आपको यहाँ पे लेंथ मिल गई है। यहाँ पे आपका बेसिन लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा वाकई हिसाब से दिशा में आपका कवर लग जाएगा। वेंटिलेशन को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विंडो दे दी है। ड्रेसिंग में भी आपको विंडो मिल रही है और बेडरूम में तो ऑलरेडी आपको काफी बड़ी विंडो मिल रही है रोशनी के लिए। अगर हम हॉल की बात करें तो हॉल फ्रेंड आपको 19 फीट 4 इंच बाई 15 फीट 4 इंच का काफी बड़ा एक हॉल मिल रहा है। इसमें क्या आप देख सकते हैं काफी यूनिक हमने सोफे का डिजाइन बनाया है और सामने आपको टीवी यूनिट की वॉल भी हमने बताई है। के बाद यहाँ पे हम अगर इस अटैच इस कॉमन टॉयलेट की बात करें तो 3 फीट वाइड और 6 फीट इसकी डेप्थ है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रही है। इस दिशा में आप कपट लगा सकते हैं, यहाँ नल लगा सकते हैं और बेसिक तो बाहर है फ्रेंड। और जो आपको ओटीएस मिल रहा है ओपन टू स्काई जिसकी छत खुल रहती है वो आपको 3 फीट वाइड और 4 फीट 8 इंच की डेप्थ मिल रही है। आपको यहाँ बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए रोशनी के लिए अच्छी बड़ी विंडो मिल रही है। 12 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 4 इंच की आपको यहाँ बेडरूम की साइज मिल रही है। और यहाँ बेड लगा सकते हो, यहाँ वार्डरोब लगा सकते हो, सामने टीवी यूनिट लगा सकते हो। यहाँ से अटैच टॉयलेट में जाने का रास्ता है और अटैच टॉयलेट की जो साइज है वो 6 फीट 4 इंच बाई 5 फीट की, तो काफी बड़ा यहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट भी मिल गया। यहाँ आपका बेसिन लग सकता है, नल लग जाएगा और यहाँ आपका फैन जो है कबर्ड लग जाएगा वास्तु के हिसाब से। तो ओवरऑल ये प्लान काफी अच्छा है। आप अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।